डीसीपी न्यूज हिंद की सही में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं पत्रकार का क्या क्या कर्तव्य है। रिपोर्टर एम के यादव की कलम से इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्रकार क्या है, उसकी सीमा क्या है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उन्हें जानना अनिवार्य है। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। पत्रकार एक जिम्मेदारी भरा कार्य होता है जिसे सही ढंग से पूर्ण करना होता है। हर पत्रकार की खबर समाज और देश को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती पत्रकार और पत्रकारिता संस्थान पर भारी पड़ सकती है और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। पत्रकारिता की भी एक सीमा रेखा होती है जिसे हम पत्रकारिता का आचार संहिता भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए टीवी पर या अखबार में रेप पीड़िता का नाम, फोटो या उसे संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में पत्रकारिता संस्था और पत्रकार पर कार्यवाही भी हो चुकी है। अतः हर पत्रकार को अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता की आचार संहिता का ध्यान रखें, यह अति आवश्यक है। पत्रकार को किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर खबर का प्रकाशन प्रसारण नहीं करना चाहिए। पत्रकार को हर समय न्यायनिष्ठ और निष्पक्ष रहना चाहिए और सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। खबर की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खबर जो है ठीक वैसे ही पेश करना चाहिए। समाचार में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, कोई सूचना छिपाई ना जाए, किसी के सम्मान का ठेस ना पहुँचाया जाए। व्यवसायिक गोपनीयता का निष्ठा से अनुपालन का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकार अपने पद और पहुंच का उपयोग गैर पत्रकारिता कार्यों के लिए न करे। उदाहरण के लिए प्राय ऐसा देखा जाता है कि कई बार ट्रैफिक नियम का पालन न करने पर जब पत्रकार को दंडित किया जाता है तो वह खुद को प्रेस से बताकर अपने पद का दुरुपयोग करता है। कुछ मुख्य बातें ऐसे भी होती हैं, पर्याप्त समय सीमा के तहत पीड़ित पक्ष को अपना जवाब देने या खंडन करने का मौका दे, उनकी बात सुने। पत्रकारिता पर कई बार पेज न्यूज जैसे दाग लग चुके हैं, अतः पत्रकारिता की मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक पत्रकारिता को रिश्वत लेकर समाचार छापना या न छापना अमर्यादा और अनैतिक है। हर व्यक्ति की इज्जत उसकी निजी संपत्ति होती है जिस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाह फैलाने के लिए पत्रकारिता का उपयोग नहीं किया जाए, यह पत्रकारिता का मर्यादा के खिलाफ है। अगर ऐसा समाचार छापने के लिए जन दबाव हो तो भी पत्रकार पर्याप्त संतुलित रहे। किसी व्यक्ति के निजी मामले को अनावश्यक प्रचार देने से बचे। किसी खबर में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उसमें अतिशयोक्ति से बचें। निजी दुख वाले दृश्यों से संबंधित खबरों को मान्य हित के नाम पर आंख मूंद कर न भरोसा किया जाए। मानवाधिकार और निजी भावनाओं की गोपनीयता का भी उतना ही महत्व है। इस समय सभी संप्रदायों का समुदायों का सम्मान आदर दिया जाना चाहिए। अपराध मामलों में विशेषकर सेक्स और बच्चों से संबंधित मामलों में यह देखना जरूरी है कि कई रिपोर्टर ही अपने आप से सजा न बन जाए और किसी जीवन को अनावश्यक बर्बाद न कर दे। चोरी छिपे सुनकर और फोटो लेकर किसी यंत्र का सहारा लेकर किसी के निजी टेलीफोन पर बातचीत को पकड़कर अपनी पहचान छिपाकर या चालबाजी से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जाए। सिर्फ जनहित के मामले में ही जब ऐसा करना उचित है और सूचना प्राप्त करने का कोई और विकल्प न बचा हो तो ऐसा किया जाए। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पत्रकार को फील्ड में या डेस्क पर काम करते वक्त हमेशा दो चार होना पड़ता है। इसलिए उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ एक पत्रकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खबर विजुअल या ग्राफिक्स में रेप पीड़िता का नाम, फोटो या किसी तरह का कोई पहचान ना हो, फोटो को ब्लर करवाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय को इस देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए न्यायालय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। देश हित एक पत्रकार की प्राथमिकता होती है, अतः पत्रकार को देश के रक्षा और विदेश नीति के मामले में कवरेज करते वक्त देश की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय जब तक किसी का अपराध ना सिद्ध कर दे उसे अपराधी नहीं कहना चाहिए, इसलिए खबर में उसके लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल करें। अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसे आरोपी का विजुअल ब्लर करके ही चलाना चाहिए। रिपोर्टर एम के यादव, संपर्क सूत्र 9990250638, संपर्क करें हम। हर रविवार हमारे साथ बने रहे, पत्रकारिता पर कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जिसके लेखक रिपोर्टर एम के यादव, दिल्ली क्राइम प्रेस व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा, मैं नीतीश शर्मा, मैं कुमारी अन्नू। जय हिंद।